ईरान ने बढ़ाना शुरू किया अपना यूरेनियम भंडार, जल्द बना लेगा परमाणु बम और बन जाएगा एक न्यूक्लियर पावर कंट्री लाइक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, इंडिया। अब सवाल ये उठा है कि आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, और इस बार तो अमेरिका से भी नहीं डर रहा है। असल में मैटर 2015 का है, जहां ईरान और 5 न्यूक्लियर पावर कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी के बीच हुई एक डील का है, जिसमें ईरान को अपना यूरेनियम प्रोडक्शन 3.67% तक रखने की परमिशन दी गई थी। आपको बताते चले दोस्तों, अगर ये बढ़कर 20% तक हो जाती है तो समझ लीजिए ईरान बन चुका होगा एक न्यूक्लियर पावर कंट्री। 2015 वाले डील में ये भी था, ईरान अपना यूरेनियम कम करेगा ही करेगा और साथ ही साथ उस पर लगाए गए सारे सैंक्शन अमेरिका धीरे धीरे करके हटा लेगा। उस वक्त बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तब की बात है दोस्तों। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से मुसीबत लाए हैं और टील से खुद को अलग करते हुए बोले, हम पागल हैं क्या, हमको बेवकूफ़ समझे हो। ट्रंप का बोलने का मतलब कि ईरान पीठ पीछे अपना यूरेनियम भंडार धीरे धीरे करके कम करने के बजाय वो बढ़ा रहा है, इसलिए अमेरिका को इस टील से बाहर हो जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, ये मामला कुछ और चीज़ का है, जैसे क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में खुद को किंग बनाने की कोशिश है अमेरिका की। आप बताइए आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।